जय श्री ओम नमः सिद्धाय ओम नमः सिद्धाय ओम नमः सिद्धाय नमो अरिहंताय नमो सिद्धाय नमो अरिहंताय नमो अज्ञाय नमो लोये समसाहुन बोच्छामिनियम सारम केवली सद केवली वणी बस आ रही आवाज ठीक है। आप इधर आ जाओ, धोई दुपट्टा वाले भी ग्रंथ लेके आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। थोड़े सर नियम सार जी गाथा 42 टी का पढ़ रहे हैं अपन, भूमिका बनाएंगे तो फिर समय लगेगा। चतुर्गति मिल गया, पेज नंबर 87 पर चतुर्गति माने चार गति के जीवों के कुल तथा योनि के भेद जीव में नहीं है ऐसा कहा जाता है। वह इस प्रकार ऐसा कुल और योनि जीव में नहीं है ऐसा कहती है। अब इन्फॉर्मेटिव है, पढ़ते हैं इसको थोड़ा सा। पृथ्वी कायिक जीवों के 22 लाख करोड़ कुल हैं, याद करने की बात है 22 लाख करोड़ कुल। वैसे हमें तो याद ही करने की जरूरत नहीं, जाना ही नहीं है, गया है जी 22 लाख करोड़ कुलों में जा चुके हैं। तुम्हें लगता है ना क्या पर्वत है, वहीं चले गए। ओहो सुनना ध्यान से, मेडिटेशन का विषय दे रहे बेटे, मेडिटेशन का विषय, ध्यान का विषय लिखो तो ये लिखो कि तीन लोक में सर्वोत्कृष्ट में क्यों, मुझसे बोलिए क्या नहीं है, इससे बोलिए क्या चाहिए बोलो। कल चिंतामणि के दर्शन में इसके बारे में क्या चाहिए बोलो, ध्यान करो लिखो चिंतन करो विचार करो कहो। जब तुम्हें ऐसा लगे ना जगमगाता हुआ परमात्मा मैं हूं, कुछ नहीं इसके अलावा, तब तुम्हें अणुव्रत प्रकट होंगे, तब महाव्रत प्रकट होंगे। अभी हम जरा लल जाते हैं, अभी भी 1 करोड़ जगह हमारे लिए भैया, इतने बड़े सेठ आए थे, बहुत बड़े सेठ, हमें देखते से भूले कि हमने आप जैसा नहीं देखा, आप जैसा आचरण नहीं देखा, ये 10 करोड़ रुपए हम आपके चरणों में निछावर कर रहे। बहुत बेचारा सम्यक दर्शन ज्ञान चाय से प्रभावित हुआ, मोक्ष मार्ग से प्रभावित हुआ, और हम उसके 10 करोड़ को याद रखे फिर रहे। उसने 10 करोड़ को याद नहीं किया, हम 10 करोड़ को याद कर रहे हैं जिंदगी भर। प्रधानमंत्री आए थे एक बार, ये है फोटो, अरे गजब हो गया जी, अनुव्रत महाव्रत नहीं होने देगा जी कह रहे हैं। अभी कोई सोने की अंगूठी भेंट करे, अभी समय में प्रभाव ना हो सबको सोने की अंगूठी मिलती, और तुम्हें नहीं मिलती कैसा लगता था, जबकि तुम ब्रह्मचारी हो तो अभी तुम्हें लगता सोने की अंगूठी थी, एक एक तोला की, दो तोला की थी, दो तोला की, इतनी बढ़िया थी। वैसे हमें सोने से मतलब नहीं है, लेकिन महावीर भगवान बने वहां नव काम लिखा था इसलिए हमें याद आ रही, और कुछ बात नहीं, वैसे सोने से मतलब नहीं है। कैसा धोखा देगा सुना, यदि मुनि दशा आ जाए तो स्वर्ण से प्रभावित नहीं होना, 22 लाख करोड़ कुल में सोना की, सोना चांदी हीरा, तुम जिससे प्रभावित होते हो जिससे अपनी महिमा मानते हो उसी गति में चले जाओगे। अणुव्रत महाव्रत का मूल कारण है तुम्हें, ऐसा क्यों लग रहा है सबको बहुत फायदा होगा,
इसका मतलब तुम्हें त्रिकाली ध्रुव का लाभ लाभ नहीं दिखाई देता। बता तुम्हें देश के प्रधानमंत्री बनाए या भिखारी को फ्री दूध मिल रहा है, बोले ना बोलो, फ्री रोटी मिल रही है भिखारी को, आवास योजना में घर मिल रहा है उसे 10 लाख का, तुम्हें 10 लाख का घर चाहिए प्रधानमंत्री बनना है, बोलो बोलो, सोचो जरा, कोई ऐसा सोचेगा मैं प्रधानमंत्री बन गया लेकिन मेरी किस्मत में रोटी नहीं है, ये गरीब योजना आवास योजना का मकान नहीं लगेगा उसको। सुनो तुम तीन लोग के नाथ हो, सर्वोत्कृष्ट हो, पारिणामिक भाव माने सर्वोत्कृष्ट है, ध्रुव माने सर्वोत्कृष्ट है, कहां लगाए फिर रहे, हम नहीं चाहिए, नहीं नहीं ले लू ले लू, अरे क्यों ले लू, मैंने एक पत्र लिखा था दिल्ली में, एक भाई है साधन में उनके लिए लिखा था, बहुत साल हुए तो 96 में लिखा होगा, 92 या 96 में लिखा होगा, तुम्हारी संपन्नता देखकर मुझे ईर्ष्या नहीं होती, दया आती है, क्या लिखा है, तुम्हारी संपन्नता देखकर, आजकल की भाषा में कहो तुमका 100 करोड़ का तो मकान ही था, बड़ा बिजनेस है, बड़ा भारी, आजकल की भाषा में, आजकल की, उस समय 1 करोड़ बहुत होती थी, तो 1 करोड़ का तो घर ही था उनका, गाड़ी बंगला ये सब दे दी, तो हमने हमने लिखा था हमें तुम्हारी संपन्नता देखकर ईर्ष्या नहीं होती, दया आती है, तो अगली लाइन लिखी थी, हमें इस बात का दुख होता है मुनि बनने जन्मे थे वो मुनि बन के रह गए, 22 लाख करोड़ को समझ में आया कुछ, सोने की महिमा चांदी की महिमा, उन्हें सबको लाभ हो गया हमें लाभ नहीं हुआ, अब भगवान आत्मा जो है उससे क्या, लेकिन चांदी तो मिलना चाहिए, सोना तो मिलना चाहिए, हीरा तो मिलना चाहिए, सबको हीरा दिया, हमारे भी तो हिस्सा है, कौन उनकी जेब में से जा रहा था, वो तो प्रभावना में बांटना था, सोचो दिल्ली वालों ने तुम्हें हीरे बांटने के लिए दिए कि सबको हीरा बांटो, तुमने हमें छोड़ दिए, मैं सबको दे दिया, क्योंकि हमारे हिस्से का एक हीरा है उसमें, तो अभी नहीं दिया तुमने, सोचो, आपको पता है मैंने इसलिए तुमसे कहा था साम्राज्य कहा समुराइच कहा, हाँ किताब है ना, फालतू समय में पढ़ना उसे, श्वेतांबर ग्रंथ है साम्राज्य कहा, उसमें हिंदी में कहो तो उसको सम्राट समुरादित्य ऐसे नाम है, समर आदित्य उज्जैन की कहानी है, बहुत लंबी, 2 पार्ट है उसके, वोट पर भाव रे, जरा सी गलती में कितनी सजा हुई, कितने भाव बढ़ गए, कितने भाव, राजा का पुत्र और ब्राह्मण के पुत्र के बीच की कहानी है, वो लंबी चौड़ी, कितनी भाव बीत गए, रोंगटे खड़े हो जाए, बहुत लंबी कहानी है, ऊपर है स्वर्ग में जाएंगे, भवांतर होती है बस जी, बताना भवांतर खुल होती है, आटे के मुर्गा में कितने भाव, वो पत्नी बन गई तो भी उसे मार रही है, पत्नी बन गई मार, ऐसे उसमें भी सम्राज्य थे, पत्नी बन गई तो भी उसे अपने पति को ही मार दी, ऐसी यार बहुत लंबी चौड़ी है, सब क्या कहें, हमारा कहना ये है अनुव्रत और महाव्रत भी इसीलिए पारिणामिक भाव की बना नहीं होती, नहीं पंडित जी हमने तो बिल्कुल पानी छान के पी रहे, बिल्कुल नहीं है अनुव्रत, पानी छाने का नाम अनुव्रत नहीं है, अरे अहिंसा अनुव्रत किया हमने, हाँ नहीं है, हमने भगवान का सब चोरी नहीं करी आज तक, मंदिर की भी नहीं करी, कहीं की नहीं करी, किसी की नहीं करी, कैसे नहीं करी, ध्यान रखो तीन लोग का सर्वोत्कृष्ट पारिणामिक भाव दिखाई देता है, तो सोना चांदी पैसा धन स्त्री पुत्र आदि लाभ लाभ नहीं दिखाई देता, सही बताना, अभी ये नहीं लगता सबको लाभ हो गया हमें नहीं, हम कितनी जल्दी खुश हो जाते हैं, हमें पैसे मिल गए 2100 रुपये ही मिल गए हमें, कैसे मिले, अपन ने क्या किया था, उन्हें तो दे दिए थे, अपन दे देते दान में, अपन अपन ने क्या इतना खिलाया पिलाया रखा, इतनी व्यवस्था करी, दे देते नहीं, हमारे तुम्हारे कहां से हो गए, नहीं देते तो अब तो कोई बात नहीं, तो कोई बात नहीं, दे दिए तो यूज कर लिए, सदुपयोग कर लिए,
अब अपन जो बाहर ढोए फिरेंगे, फिर एक लड़का ढूंढेंगे, गरीब अमीर बीमार दुखी उसे देंगे, तब तक कितने संकल्प विकल्प करेंगे। अनुव्रत महाव्रत समझ गए। फिर कह रहे तीन लोग का नाथ हूं, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। हिमालय बहुत अच्छा है पर्वत, नहीं नहीं वो कौन सा मेरु पर्वत पंडित जी, एक बार जाना है सुदर्शन मेरु, एक बार ऐसी इच्छा होती है, खूब तारीफ सुनी है, आकृतन जनालय में एक बार जाना है, चलेगा। पांडव विभाग को नहीं देखोगे तो पर्वत पृथ्वी काय में चले जाओगे, और क्या। पहले जब पिक्चर देखते थे ना पिक्चर, तो उसमें एक कुत्ता की फोटो आ गई, भीड़ भाड़ है तो कुत्ता भी है सड़कों में चल रहे हैं, पिक्चर बन रही है तो कुत्ता भी आ गया। देख कुत्ते कितना भाग गया फिल्म में आए, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है इसको। फिर हमने ये सोचा, हमने फिर सोचा खूब बेंद गया, उस बेचारे को तो पता भी नहीं होगा कि हमारा हम पिक्चर में आ गए, उस बेचारे को तो खबर भी नहीं होगी कोई ने हमें देखा है पिक्चरों में। तुमने कल्पना की हमारी फोटो आ जाए, अरे जैसे कुत्ते को खबर नहीं है तो अभी आ गई तो अभी काय का पुण्य कर दे, और तुम्हारी आ जाएगी तो काय का पुण्य कर दे। बहुत निदान मंद होती है आत्मा को जाने बिना, वो ध्यान रखना आत्मा को जाने बिना निदान मंद होती है आत्मा को जाने, ये पहली चीज है परिणाम ही हुआ। आत्मा को जाने बिना ऐसे निदान मंद हो जाती है तमाम। एक बार उस पर्वत को देखना है, एक वो पर्वत तो गजब है, स्वर्ण पर्वत क्या कहलाता है, कंचन कौन सा पर्वत है वो, कंचन मेरु क्या नहीं, अरे 13 दीपों में नंदीश्वर के 13 है 52 एक अंजन दधिमुख और दधिमुख का रति कर है, रतिकर और दधिमुख। हाँ वो दधिमुख रतिकर दधिमुख क्या ना होता, वो दही जैसा सफेद सफेद एकदम सफेद। जब रजी गया था कोई लेने, अरे क्या लेना, चले जाएंगे तो क्या मिल जाएगा, पकड़ने लायक बात है लिखने लायक बात है नहीं, नहीं चाहिए। स्वरूप में जाने के सिवा अब हमें कहीं नहीं जाना, नहीं चाहिए ही नहीं, गए तो क्या और नहीं गए तो क्या। ऐसे समझिए 22 लाख करोड़ खोले, लोहा सोना चांदी काय के बर्तन में रोटी खाना है। एक दिगम्बर महाराज को स्टील की थाली में से दिया, और एक महाराज को चांदी की थाली में से दिए, और एक महाराज को सोने की थाली में से दिए, और तीनों ने देखा। अब देखो यदि पारणामी भाव की महिमा नहीं होगी फौरन ऐसा लगने लगेगा, देखो वे आचार्य श्री है तो उन्हें सोने की थाली दी, जबकि आचार्य श्री की सोनी थाली छुई भी नहीं है, लेकिन मिथ्या बैठा नहीं अंदर, और इन्हें चांदी की थाली में दे दिया। अच्छा जो तो हमसे छोटे इन्हें चांदी की थाली से क्यों दिया, हम तो इनसे बड़े हैं, तुमने हमें उसकी उसकी थाली से क्यों दिया, इसलिए थाली से तुम्हें इज्जत नहीं आती, आचार्य को तो हम मान गए चलो सोने की थाली के लाएगी, क्या कह जा रहा है। आप समझ गए 22 लाख करोड़ कुल कैसे हो जाते होंगे। एक बार बहुत साल हो गए, तो बहुत साल हो गए 25 साल ललित पर गए थे तो ठहराया विधान के टाइम, सो चिदानंद आए भाई ये कमरा आपके लायक नहीं, हम हमारे लायक कौन सा कमरा है बता दो, हम वैसा कमरा मांग लेंगे अगली बार, हमारे लायक कौन सा कमरा है ये बता। ओ मैं नहीं चाहता हूं इस विषय में मेरे लायक कोई कमरा बने, मैं नहीं चाहता हूं किसी कमरे के लायक मैं बनूं। सीमेंट क्या है, पृथ्वी का क्या है, जिस संगमरमर बहुत बढ़िया है, जिग्रेनाइट बहुत बढ़िया है,
बहुत बढ़िया, चले यार घर घर में लगाए जाओगे ग्रेनाइट, क्या कहिए सब लगा लेंगे, बहुत बढ़िया। नहीं नहीं इससे वो अच्छा कच्ची मिट्टी वाला है, काहे कल्पना कर रहे, मैं किसी के लायक नहीं हूं और चाहता भी नहीं हूं कि ऐसा कर्म बंधे जिससे किसी के लायक हो जाए। विश्व में सबसे अच्छा कमरा कौन सा है? हमारे लिए। सबसे अच्छे मकान बोलो, सबसे अच्छा हमारे लिए, तब आएगी संभव। हाँ तब आएगी। अब पढ़ो वन शमशान क्या महल क्या है वो, हाँ कांच कंचन निंदा स्तुति करण बारह भाग बोले बत्तीस ही भावना बत्तीस ही उसमें बोलो समता हो बन उपबन प्रासाद खुटी में नहीं खेद नहीं ममता हो बन उपबन प्रासाद कांच कनों में समता बन उपबन प्रासाद कुटी में नहीं खेद। अब अपन कैसे जबरदस्ती नहीं 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 अपन मुनि इसलिए नहीं करना नहीं ऐसे नहीं पारणा में सर्वोत्कर्ष दिखाई देता है मुझे ध्रुव है ना वो तीन लोग का सर्वोत्कर्ष दिखाई देता है। अरे यार सिद्धों में चला चित्र नहीं जाता अष्ट भूमि वो ऐसी ऐसी बनी है वो प्रागभार वो बड़ी स्फटिक मणि अरे नहीं जाता उसका उपयोग क्योंकि विश्व में मेरे से अच्छा कोई नहीं। ज्ञानाष्टक में बोलो मेरे लिए मुझसा नहीं सच्चिदानंद अविराम मेरे लिए मुझसा कोई नहीं आपको मिलने की इच्छा नहीं होती हाँ नहीं होती सुनने की इच्छा नहीं होती हाँ नहीं होती देखने की इच्छा नहीं होती नहीं अरे मिल गए ना हम जो प्रयोजन जिस शैली से करते ना थोड़ी खतरनाक शैली है आम पब्लिक को हम जो कहना चाह रहे हमारे पढ़ने लायक ग्रंथ नहीं बचा सुनने लायक कुछ बचा नहीं किसी की संगति करने लायक नहीं बचा इतनी तो अब बात है जी ऐसे कैसे नहीं सुनना भी तो चाहिए अभी तुम कपड़ा पहने हो पढ़ना भी तो चाहिए सत्संग भी तो करना चाहिए तुम्हें जिज्ञासा नहीं होती फला से मिलने की फला से कोई से मिलने की समझ में आ रहा है कुछ सुनना ध्यान से सूक्ष्म बात है थोड़ी मिथ्या दृष्टि जी अनादि मिथ्या दृष्टि जी उसे भगवान अनंत तो अच्छे हैं कि नहीं बोलो केवली भगवान दिव्य ध्वनि अच्छी है कि नहीं कि जब तक उसे ऐसा लगता है तब तक सम्यक दर्शन नहीं होता। अब भगवान दिव्य ध्वनि खेल रही है अनादि मिथ्या दृष्टि में पहली बार सुना मैं पारनामिक भाव हूं ध्रुव भाव हूं तीन लोग का नाथ हूं ऐसा सुनते ऐसे अंतर्मुख हो गया दिव्य ध्वनि छोड़ दी सुनना तुम्हें दिव्य ध्वनि की महिमा होगी तुम दिव्य ध्वनि पूरी सुनोगी बीच में अच्छी भी लगी आत्मा और ठीक है बाद में दर्श बाद में कर लेंगे अपन प्रवचन के बाद उठेंगे फिर अपन वेदी में चले जाएंगे आज तो बहुत अच्छी बात है अपन ऊपर चले जाएंगे छत पर नहीं सम्यक दर्शन उसी समय होगा जिस समय तुम्हें ध्रुव महिमा आई और अनंत की महिमा छूट गई मैंने उन्हें देखना छूट गया उन्हें सुनना छूट गया छूट गया ठीक है छूट गया अंतर में चले गए बस उसी में काम हो गया। भगवान की दिव्य ध्वनि खिलती रहती है और दिगंबर विराज केवल ज्ञान ले लेती है क्या कहा होगा तो कौन लेता हुआ ये केवल ज्ञान भगवान दिव्य ध्वनि खेल रही है बता तो भगवान वाणी नहीं सुननी चाहिए नहीं सुनना चाहिए तो केवल ज्ञान कैसे होगा स्वरूप निमग्न हो गया और केवल ज्ञान हो गया। अब हम कहते हैं वहां केवली भगवान विराजमान रहते हैं और तीर्थंकर के समोसरण में भी केवली भगवान रहते हैं तो वे क्या सुनते होंगे सुनते होंगे भगवान की वाणी सुनो आत्मा इतना अच्छा है कि दिव्य ध्वनि उसके आगे कुछ नहीं है कैसी बातें कर रही अब जी तो है पारनामी की मस्ती चढ़ाने की बात है नहीं बहुत सिंपल है हम एक बात करें मतलब तुम्हें रसगुल्ला पसंद है और रसगुल्ला खाने मिल जाए तो अब रसगुल्ला की प्रशंसा सुनना चाहोगे बोलो और रसगुल्ला की प्रशंसा करने वाला तुम्हें अच्छा लगेगा कि अंतराय लगेगा
बोलो समझ में रसगुल्ला तुम पसंद है और रसगुल्ला मिल जाए क्या करोगे बोलो, रसगुल्ले की तारीफ सुनना चाहते हो कितनी देर बोलो, कितनी देर सुना बोलो, तारीफ करने वाला आपको अच्छा लग रहा है भाई। देखो कई बार ऐसा होता है तो हमारे घर आना हम रसगुल्ला खिलाएंगे, पहुंच गएंगे घर अभी तारीफ पे तारीफ करी जा रही करी जा रहे तब के भैया एक घंटा होगा तो पूछो लाओ तो हाँ ये लो ये रखा है लेकिन अभी खाओ मत तो चाय दो, इसकी फोटो देखो सेल्फी देखो फला देखो ये देखो तमाम बातें करो यहां तो अंतराय अंतराय लग रहे हो। सुनो पारणा में भाव का अनुभव होने पर केवली भगवान उनकी देव ध्वनि अंतराय लगती है, क्या कह रहे अंतराय समझ गए, ब्रेकअप पीरियड लगता है मत सुना हमें नहीं सुनना, सुनो मना करने को भी नहीं रुकते ये कह रहे अच्छा नहीं लग रहा तो मना करने भी नहीं रुकते चलिए अंदर। श्रीमद जी लिखा है समझा ते समाई गया, क्या कहा समझा ते समाई गया, कहने को भी नहीं रुका कि हम समझ गए, समझाए क्या कहा समझा ते कहने के लिए भी नहीं रुका कि हम समझ गए आज बहुत अच्छा प्रवचन, ये कहने को भी नहीं रुका वो पंडित जी कैसा लगे चल के थोड़ा बोलते थे आज प्रवचन बहुत अच्छा नहीं तुम समझे नहीं समझ गए होते तो इतना कहने को भी नहीं रुकते पंडित जी आज के प्रवचन में बहुत मजा आया भगवान की दिव्य ध्वनि सुनना भी अखरने लगती है नए नए शास्त्र पढ़ो, अरे टाइम काटना वो पढ़े हमें टाइम नहीं काटना हमें कर्म काटना है, एक लॉजिक देते ना द्रव्यांग पढ़ना चाहिए उसे उपयोग एकाग्र होता है, तो जिनका उपयोग एकाग्र नहीं हो रहा उनके लिए है वो जिन्हें पारणा विभाव की महिमा आ गई सर्वोत्कृष्ट पदार्थ उसे न पढ़ना शेष रहा न सुनना शेष रहा। तुम्हें क्या लगता है हम शास्त्र पढ़ते 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 अनुव्रति होंगे, शास्त्र पढ़ते 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 संते संते महाव्रति होंगे, एक दिगंबर मुनि राज आठ साल की उम्र में दीक्षा ले ली, सुन रहे आठ साल की उम्र में दीक्षा ले ली उसे पढ़ना विभाग की महिमा आ गई, छठा साल रुग्ण स्थान हो गया उसका आठ वर्ष की उम्र में, हाँ दो ही काम हो गए मुनि दशा भी आ गई उसको। अभी जरा समझो अब वो पूरे जीवन ग्रंथ ना पढ़े और पूरे जीवन प्रवचन नहीं सुने तो कोई उन्हें उंगली नहीं उठा सकता, आठ वर्ष अंतर मुहूर्त का बालक दीक्षित हो गए मुनि दीक्षित और एक भी दिन प्रवचन सुनने नहीं गए, एक दिन भी ग्रंथ नहीं उठाया, कोई उन्हें उलाने नहीं दे सकता खराब है, कोई नहीं कह सकता गलत है, ए तुम कैसे हो पढ़ा तो करो याद तो करो रटो तो रट नहीं होगी रट लिया मिल गया सब कुछ हमें, इसलिए उसमें लिखा था जैन धर्म पे भी एक किताब बताई कोशिश बताई थी उन्होंने एक किताब बताई जिसमें लिखा है ब्रह्मचारी इज इक्वल टू चारों वेद, हाँ चारों वेद माने चारों नियोग, जिन धर्म विवेक नाम की पुस्तक है लेकिन मिली नहीं किसी को नाम रेफरेंस में आया ग्रंथ में किसी लेकिन ग्रंथ नहीं मिला अपने को अभी तक, जिन धर्म विवेक ब्रह्मचार्य ब्रह्मचर्य अर्थात ब्रह्म का ज्ञान माने पारिणामी भाव का ज्ञान इज इक्वल टू चारों वेद माने चारों नियोग मैंने मैं ब्रह्म हूं पारिणामी भाव हूं चारों ने पढ़ लिया उसने, इसलिए आठ वर्ष के बालक को क्षेत्र के नाम रटने की जरूरत नहीं चौदह गुण स्थान रटने की जरूरत नहीं जीव समाज जानने की जरूरत नहीं है, ऐसा पढ़ना तो चाहिए है ना, इसीलिए मुझे आज वो ग्रंथ नहीं है जो कंपल्सरी पीछे का मंडल कंपल्सरी कुछ क्यों कही है बात हमने सर्वोत्कृष्ट मिल गए अब उसकी तारीफ क्या सुनना क्या पढ़ना, हरि साहब लिखा है तो पढ़ना चाहिए आचार्यों ने इतना लिखा, अरे फिर देखो आचार्य ने ध्रुव बताने के लिए लिखा था ध्रुव में मिल गया बात खत्म हो गई बात बेस्ट अंदर मार्केट में ग्राहक आता है दुकान पर तो ग्राहक को पटाने के लिए नाना प्रकार की बातें बोलती हूँ और पहले ही पट जाए तो दुकान में ग्राहक आया
तो अपन देखते हैं किस हिसाब का आदमी, उस हिसाब से बातें करते हैं, नाना प्रकार की। और फिर देखते हैं लस्सी पिला के पटे तो लस्सी पिला देते हैं, उन्हें नाना उपाय करते। अब जो ग्राहक दुकान पर आया और 1 करोड़ का माल उसने 1 सेकंड में डन कर दिया, 1 करोड़, थोड़ा हुआ भी नहीं 1 करोड़, तो लस्सी पिलाओगे कि नहीं पिलाओगे? क्या हमें कोई जरूरत ही नहीं, उसने खरीद लिया ना माल 1 करोड़ का, अब हमें क्या जरूरत? समझ में आए कुछ? मूल तो ये था कि बिजनेस होना चाहिए, ये दृष्टांत ऐसे ही, मूल तो ये था कि पारनामिक समझ में आना चाहिए, इसलिए 4 अनुयोग लिखे हैं। ओहो, जिसने पारनामिक को समझा उसने 4 अनुयोग समझ लिए। इसके लिए 14-15 नंबर की गाथा कर्म निजी कह रहे थे ना, पस्कदि जिन शासनम सबम, वो समस्त जिन शासन को देखता है। समझ में आ रहा है कुछ? ध्रुव कितना मस्त है, अब कुछ सुनने को नहीं बचा, पढ़ने को नहीं बचा। विकथा को सुनने को तो उसका उपयोग ही नहीं जाता, नहीं सुकथा सुनने का भी उपयोग नहीं होता। अनुव्रत महाव्रत सिद्ध कर रहे हैं इसमें से, अब ठीक है, इसी के लिए तो कहा था मैंने, इसलिए मैंने तुमसे कहा था ना, इतनी चर्चा सुनने पर भी हमें तो अपनी ही चीज दिख रही थी, हमें और कुछ नहीं दिखा। हम एक बार भी ऐसे निदान मन नहीं हुए कि अपन धबला पढ़ लेंगे, कहा पढ़ना, हमने तो पढ़ लिया धबला पढ़ लिया। जिनका उपयोग भी कथा में जाता है वे पढ़े, जिनको धूम ना मिला हो वे पढ़े जाकर के, वो सुने बार बार, कोई हुआ पोए नहीं, हुआ पोए तक नहीं। जी है गुण श्रेणी ले जा, ये है गुण श्रेणी ले जा। सब जगह लगल अनुव्रति कैसे हो गया? अनुव्रत हम पूरे घटा सकते हैं, ये कपड़ा पहनने के प्रति भाई प्रियजन पूरा हो गया ना, ढांकना था और ठंड लगना थी, अब अच्छा रंग का होना चाहिए, कीमती होना चाहिए, 50,000 रुपए मीटर का होना चाहिए, बेल बूटे जड़े होने चाहिए, हीरे माणे मोती, अरे प्रियजन क्या है, ठंड मिटनी चाहिए बदन, इसलिए अनुव्रति के कपड़े सादा हो गए। प्रियजन सद गया, बस जैसे गायक मिल गया तो सास से छूट गई, गायक मिल गया सत्संग भी छूट गई, जैसे प्रयोजन पूरा हो गया, कपड़े सादा हो गए, अपने आप ही हो गए। सही होता ना, 1 करोड़ का कपड़ा ठंड मिटाने में के लिए चाहिए कि दिखाने के लिए चाहिए? तो दिखाने लायक तो गया है, देखने दिखाने लायक तो गया है क्या? इसमें का बर्बाद करेगा टाइम से ना। हम तो सोने के कपड़े सिलवा दे रहे, सोने के प्योर सोने के, पूरी पूरा सोने सोने के, सुनो गर्मी में गर्म होंगे भी और ठंडी में ठंडे हो जाएंगे। बोलो चाहिए, बोलो बनवा दे रहे, उसमें हीरे जड़वा देंगे खूब सारे, 100 करोड़ की ये पोशाक बनेगी, बोलो खूब बेल बूटे जड़े होंगे उसमें, बोलो। अरे पंडित उससे प्रयोजन तो पूरा नहीं हुआ, गर्मी से बचने का और ठंडी से वो प्रयोजन तो पूरा नहीं हुआ, हम दे भी दे तो नहीं लोगे? ऐसे ही जिसे गायक का प्रयोजन पूरा हो गया उसे सारी गर्म, द्वादशांग में मेरे लिए क्या लिखा है, द्वादशांग में 4 अनुयोग मेरे लिए क्या क्या लिखा गया है, बताओ क्या लिखा गया मेरे लिए? कि मेरे लिए एक ध्रुव ही लिखा है और मेरे लिए कोई, और ये जी उनके लिए लिखा है, समझ गई? द्वादशांग में सब कुछ मेरे लिए नहीं लिखा गया, द्वादशांग में मेरे लिए तो एक सर्वोत्कृष्ट ज्ञायक भाव लिखा गया है। सब लिखा तो 4 बजे उठ के सामायिक करना चाहिए, हाँ उनके लिए लिखा है जो प्रमाद से सोती है, लेकिन जो सोते ही नहीं उनके लिए थोड़ी लिखा है, जो सोते ही नहीं उनके लिए थोड़ी लिखा गया है। सब उसमें लिखा है भक्ति करना चाहिए, हाँ जो स्वरूप में नहीं रह पाए उन्हें भक्ति करना चाहिए, लेकिन जो स्वरूप में रह रहे उन्हें भक्ति करने का कहां लिखा है? बोलते जाओ, जो स्वरूप में नहीं रह सके उन्हें ग्रंथ लिखना चाहिए, स्वरूप में रहने वालों के लिए ग्रंथ लिखना नहीं लिखा? बोलो एकाध वाक्य बनाओ। न्याय से व्यापार करना चाहिए, किसके लिए लिखा है? श्रावकों के लिए लिखा है जो स्वरूप में ना रह पाए। अब फिर से बोलो, स्वरूप में रहने वालों के लिए कुछ नहीं लिखा, क्या कहा? स्वरूप में रहने वालों के लिए कुछ नहीं लिखा। अच्छे से देखभाल करके दिन में भोजन करना चाहिए, किसके लिए लिखा है? स्वरूप में नहीं, जो उपवास नहीं करते
उपवास करने वाले थोड़ी लिखा है वो, उपवास करने वाला कोई लिखा भैया देखो लिखो लिखा है श्रावक को अष्टमी चौदस को एक बार आहार करना चाहिए दिन में, कि नहीं उपवास करने वाले के नहीं लिखा हो यहां से मेरे ज्ञाय के लिए द्वादश में कुछ नहीं लिखा अब कितना माल है बता, अब इसे अब यहां से पढ़ते हम करना नहीं, हमारी पढ़ना पढ़ाई से होंगी, अब जी चाहे ना तो अभी उस तरफ चले जाती, धमला में लिखा है वहां लिखा है संगठना में लिखा वहां लिखा है वहां लिखा लोग बात अरे कच्छ नहीं लिखा हमारे लिए से लोग बात हमारे लिए नहीं लिखा नहीं आपके लिए नहीं लिखा, तुम बड़े स्पेशल हो तो मुनिराजों ने लिखा इतनी मेहनत करी तुम्हारे लिए नहीं लिखा, हाँ नहीं लिखा द्वारसांग में सब कुछ मेरे लिए नहीं लिखा नहीं पढ़े मत पढ़ा नहीं सुने मत सुन, हम तुम्हारी पूजा करेंगे जिस दिन नहीं पढ़ोगे सुनोगे आप हम बहुत तुम चाहे जितने दृष्टान सुन लो हम उतने दृष्टान दे देंगे। सगाई शादी हो गई, मान लो सगाई शादी शादी हो गई, अब पत्नी पीआर में है तो उसे पति की याद आती है, तो पति सामने हो तो याद आती है बता, अब वो पीआर में है पति नहीं है तो कभी चिट्ठी लिखती है कभी फोन पे बात करती है कभी फोटो देखती है नाना प्रकार के उपाय करती है, क्यों पति नहीं, अब क्यों ऐसा होता है पति सामने बैठा है और फोटो देख रही चुप रहो आदर से पत्नी का कर्तव्य है फोटो देखो समझ गए थे अरे जब पति सन्मुख है न फोटो न याद न फोन न भजन, वो क्या कहला भजन नहीं वो शेर शायरी कुछ नहीं, देखते से डायलॉग भूल गई, डायलॉग डायलॉग समझ गए, देखते से हो डायलॉग समझ गए, कुछ बोलना बाकी नहीं रहा ऐसे ध्रुप पाने के बाद पढ़ना शेष नहीं रहा, सुनना शेष नहीं रहा, बोलना शेष नहीं रहा, लिखना शेष नहीं रहा, हाँ द्वादश अंग एक क्षण में पढ़ लिया, बस सदी जीवन शासन सदभाव बता इसीलिए कल एकदम विकल्प आया मैंने चले इसको पढ़ेंगे, पहले तो सोच दिया छोड़ दूंगा क्या वैसे देखा जाए तो इन्फॉर्मेटिव है कोई प्रभु, लेकिन भगवान आत्मा अच्छा लगता है तो 22 लाख करोड़ कुल, एक लाख कैसे नहीं, 1000 लाख नहीं 22 लाख करोड़ कितने सारे बहु है बता, तुझे कंकर अच्छी लगती है, रेत अच्छी लगती है, गिट्टी अच्छी लगती है, कौन कौन चीज अच्छी लगती है, लाल पत्थर काली पत्थर नीले पत्थर सफेद पत्थर फला पत्थर बेपाषाण जीश पाषाण कितने प्रकार की भी होती है, नील मढ़ी फला मढ़ी, अरे भगवान आगे फाड़ फाड़ के देख रहे, हरित मणि दुर्लभ है मिलती नहीं है, मूंगा नहीं मिलता है, कहाँ नहीं मिलता वही पता नहीं क्या होता नाम नहीं, मैं तो तुम पहचान नहीं करो तो पहचान नहीं पाएंगे तुम हैं, तुझे किसकी महिमा आ रही है, मुनिराज बोली थी भगवान के दर्शन तक का कंपलसरी नहीं है, जहां मुनिराज को भगवान के दर्शन ही कंपलसरी नहीं है भगवान की प्रतिमा क्यों बनवाएंगे और क्यों मंत्र देते फिरेंगे, क्यों देते फिरेंगे उस सूर्य मंत्र और काय के लिए मंदिर बनवाते फिरेंगे, और जब मंदिर ही नहीं बनवाएंगे तो गोसारा कौन बनाएंगे, कौन ठेक करना पड़ेगा, सब में लगा लिया ना कि भाव ही नहीं आते, लेकिन ध्यान रखना हम ये टॉप की बात कर रहे हैं, जैसे जैसे जी होंगे उनकी वैसे भाव भी जाने, टॉप बात तो यह है सर्वोत्कृष्ट पाने के बाद कुछ और काम रहा ही नहीं, कितनी दृष्टान चाहिए बोलो आगे, अब कई जीवों के 7 लाख करोड़ कुल, 22 लाख से सीधे 7 लाख करोड़, तेज कायिक जीवों के 3 लाख करोड़ कुल, और वायु कायिक जीवों के 7 लाख करोड़, कितने कितने बस 3 के बाद 7, वनस्पति कायिक के 28 लाख करोड़, ये ज्यादा हुए है ना, वनस्पति कायिक जीवों के 28 लाख करोड़ कुल, तो जी क्या क्या हो गया, अब कायिक माने जल है,
जल, अब काय माने जीव हो गए, अब खारा पानी, मीठा पानी, फला पानी, कैसे कैसे पानी है, इनके इक्वल हो गए सबके, सबके कुल हो गए, जगह जगह का पानी, कुआ का पानी, तालाब का पानी, जहां अलग अलग जाति, मीठा पानी, मिठास के भी असंख्यात देश, मिठास के भी असंख्यात देश, तो कुल है सबके अलग अलग। कोई तुम्हें सुनाए वहां का पानी बड़ा मीठा है, अमृत जैसा है, तो हम आएंगे कभी तुम्हारे पीने के लिए, और नहीं आ पाए मर गए तो उसी जल का आम पैदा हो जाएगा, उसी में पैदा हो जाएगा जाकर। अब का जल, खाना पानी, हालांकि ये सब सम, इसके पीछे अभी क्या दे रहे, फिर भूल जाऊं कदा जी याद आ गए, इसलिए ध्यान रखना, इस समझाने के लिए कहते हैं जैसे परिणाम करोगे वहां चले जाओ, इस समझाने के लिए कहते हैं जैसे परिणाम करोगे वहां चले जाओगे, लेकिन परिणाम करना भी तुम्हारे हाथ में नहीं है, जाने की योग्यता होगी उससे जाओगे। जल्दी कह गए हम कुछ, अब तुमने क्या 22 करोड़ और 27 करोड़ जितने लिखे इन्होंने, तुमको देख क्या कि तुम विचार करते हो, माला फेरते हो, मीठे जल में चले जाए, खारे जल में चले जाए, ये सब समझाने की स्थूल शैली है जी, में योग्यता पढ़ी हो भाव भटकन की तो ऐसे कर्म बांधता चला जाता है, वो हम नहीं रोक सकते, पता ही नहीं ना तुम्हें, तो बुद्धि पूर्वक का विकल्प है, बुद्धि पूर्वक का विकल्प, इसलिए इसलिए पूरी बुद्धि पूर्वक का उपयोग ज्ञान में लगा, ध्रुव में लगा, आगरा जाओ, आगरा में खारा पानी पिया, आगरा का पानी नहीं पिया, रेलवे स्टेशन चख लेने एक घूट और एकदम खारा आप कोई बात नहीं, हमें जब दृष्टांत में समझो, बोलो भैया ये अब जरा सी देर थोड़ा सा पानी पीने, एक आध गिलास, अब वहां के लिए हाय हाय, पूरी जिंदगी याद रखेंगे वो पानी गिलास, अरे उस पानी से तो हमने थोड़ी देर का काम चलाना, उससे शरीर का काम चलना, हमारा थोड़ी चलना है, काय को भी कल करना मिल गया सर, ठीक खारा हुआ सर, ठीक मीठा हुआ सर, ठीक अपना देह का क्षणिक काम चलना है, हमारा थोड़ी चलना है, वेद विज्ञान का राजतीस मत करो, याद मत रख, काय भी याद रख रहे, अब इसे याद रखने के चक्कर वहां चले जाए, कौन सा फायदा होगा, सरल दृष्टांत दे, सरल दृष्टांत जल्दी समझ में आ जाए, राजा ने तुमको मृत्यु दंड दिया, अब बताओ खारे पानी में डूब के मरने के मीठे में बोलो, गाय के घी में डूब के मारा है तुम्हें, डूब के मारे, भैंस के दूध के घी में डूब के मारे, बोलो बोलो जल्दी बोलो, क्या फर्क पड़ता खारे पानी मीठे पानी, इतना भेद विज्ञान करके ध्रुव देखो, मैंने यहां आओ पी लेंगे, चलो आपका चुहा यहां से मर मर के नहीं पियो, मैं पीता ही कहा हूं, मैं तो बहुत ध्रुव मुझे पीता ही नहीं है, तुमने खारा पानी पिया कि मीठा पानी पिया आज तक, मैं वह हूं जिसने पानी नहीं पिया, ऐसी मस्ती में डूब जा बस खत्म, इसके लिए तुम एक ही बात कहते हैं, अभी वहां भी कहा था हमने, इसमें चाहे खारा पानी डाल दो चाहे मीठा डाल दो, समझ गए, इसका तो इनपुट हुआ और आउटपुट हो गया, समझ गए, इनपुट आउटपुट, खाया हो निकल गया, यूरिन बन गया, मलमूत्र बन गया, निकल गया, मतलब उसका काम तो निपट भी चुकी, प्रोसेसर का बॉडी की प्रोसेस का काम तो निपट भी गया, और तुम अभी तक रो ही रहे हो क्योंकि तुम इसे नहीं देख रहे, तुम पारिणामी भाव को नहीं देख रहे इसलिए रो रहे, फालतू बैठे बैठे तुम्हें क्या मतलब, अभी अंदर से आवाज आएगी हम खाते ही नहीं, देखो मम्मी ने कड़वी तुमड़ी का आहार ले लिया, उन्हें ये नहीं लगा कि तुम बंद कर दे, बंद नहीं किया ना, देख इसका काम चला ना, देख दे हमें क्या दिक्कत है, हम थोड़ी खा रहे हैं, हम थोड़ी खा रहे हैं, हो जाती कहां पर पड़ा, बस का नुकसान होगा, मुहिंदा से हम हो गई नहीं कुछ नहीं, मैं मुहिंदा सा मैं खाता ही नहीं, जी कह रहे इतनी इतना इतनी फीलिंग है, मैं खाता ही नहीं हूं, जी खा रहा है, तुम नौकर को भोजन परोसने जाओ, हमने दिए ले करेला की सब्जी दिया, तुम्हें तो खाना नहीं, तुम उसे दिया, तुमको दिक्कत है क्यों दे रहे हो,
मैं तो करेला तुम्हें नहीं खाना ना, ऐसे मैं खाता ही कहूँ इस देह को इनपुट आउटपुट होता ना, हमें खा नहीं कर। मुनिराजों की वृत्ति है भोजन की वृत्ति, आहार की वृत्ति, आहार की वृत्ति में गर्त पूरण वृत्ति, गर्त पूरण माने गड्ढा, गड्ढा भरना, गड्ढा भरना हो क्यों, तुम्हारे घर के बाहर गड्ढा हो, कैसे भरोगे, सोने से कि चांदी से, हर चीज वो से भर दे, कचरा पत्थर कंकर कूड़ा भर दे, भर दो किसी से ही भर दो, ऐसे गर्त पूरण कड़वी खट्टी मीठी सरस नीरस भर दे चट्टी, लेकिन काय के बल पर मुनि दशा आएगी, जे ध्रुव के बल पर, मैं आज तक मैंने खाया ही नहीं है, इसलिए निदान बंद नहीं होते ज्ञानियों को, ज्ञानियों निदान बंद नहीं होते, अब हम पीना मीठा पानी मिल जाए, भोजन मिल जाए, इतने दिन हो गए भैया अब तो ढंग का भोजन मिल जाए, 10 साल हो गए पूड़ी नहीं खाई, अब को होते ही नहीं, क्या करें बेचारे, घी नहीं होते पूड़ी नहीं खाई, और जिस दिन खाएंगे निदान बंद कर लिया, ऐसे ज्ञानी नहीं करते, क्योंकि अब मैं मेरा ही वेदन कर रहा हूं, मैंने आज तो पूरी का वेदन किया ही नहीं। हाँ नहीं असल इच्छा ज्ञानी के, समस्या जी का आता है, नहीं असल इच्छा ज्ञानी के, ऐसे सब में लगा ना, आपका एक तेज का एक अग्नि, अग्नि लाइट बहुत अच्छी है, अग्नि का है, अब कितने प्रकार की अग्नि का है, 7 करोड़ कुल, 3 लाख करोड़ कुल, 3 लाख करोड़ कुल, जी अग्नि वो अग्नि, पहले वैसे बलवाते थे, फिर जी आ गए, फिर चाइना आ गए, जी आ गए, कैसे कैसे अग्नि, ध्यान रखना योग्यता, ज्ञायक को जानने वाले की योग्यता नहीं बिगड़ती है, सीधी बात, जो ज्ञायक को नहीं जानेगा उसे तो अग्नि कहेगा बंद कर लेगा ऐसे बैठ, चढ़ना नहीं क्या कहेगा, तुम अग्नि बुझाते हो तुम अग्नि बनना पड़ेगी तुम्हें, वहां ऐसी वहां से यहाँ द्रव्यानी का ग्रंथ है, अब देखो कर्णानी को कैसे पढ़ना है, यहाँ द्रव्यानी शैली में पढ़ना है, वहां कर्णानी में इन्फॉर्मेटिव पढ़ना है, चरणानी में इनकी रक्षा करने के लिए पढ़ना है, अग्नि नहीं बुझाना चाहिए, फालतू नहीं जलाना चाहिए, तार के बार फट 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 बार बार जला रहे बुला रहे, अग्नि कहेगी जी मरते, चरणानी भी कहेगी बार बार जला बुझाओ नहीं, चिंतमाई बाई लाइट होती है जलती बुझती है जलती बुझती, उसमें अग्नि कहा जी मरते हैं जन्मते हैं मरते जन्मते हैं, तुम खुश हो रहे हो बहुत अच्छी लग रही कैसी लाइट हो रही है। अरे लगाओ नहीं लगाओ बाद में तुम पहले पारनामी की धुन तो लगा रहे, लगे नहीं लगे तुम मोहित तो मत हो कम से कम, देख ली दूर से कितना बढ़िया फोटो, फोटो खींच लो पंचकल्याण की लाइटिंग का फोटो खींच ली, मंडप का फोटो खींच ली, क्या भव्य दृश्य है रात्रि का जब सारी लाइट जगमगा रही, दूर से अंधेरे में देखो कैसी लाइट जगमगा रही पंचकल्याण की, खतरनाक वो नहीं है, खतरनाक इसे भूलना है, वो महामद प्रियो अनाथ भूल आपको, अब तुम नकली करने लगो, नहीं नहीं अपन आनंद नहीं लेने, लग तो अच्छा नहीं, ठीक है ठीक है, अपन अग्नि कायम नहीं जाने इसलिए इसलिए इससे थोड़ी कोई अग्नि कायम जाना रुक जाएगा, फिर सुनो फिर सुनो, 2 बातें कहीं खाए, जो ध्रुव स्वभाव का अनुभव करते हैं उन्हें निदान मन नहीं होता, और ध्रुव स्वभाव को जानने वाले की योग्यता उन गतियों में जाने की नहीं होती, सम्यक दर्शन होते से ही है, 4th गुण दर्शन काय काय के वो हो जाती है, बंद रुक जाता है, बंद विच्छित्ति हो जाती है, स्थावर में जाने की बंद विच्छित्ति हो जाती है, निगोद में जाने की बंद विच्छित्ति, बंद विच्छित्ति में ना उसका बंद रुक जाता है, अब कभी बंद नहीं होगा, सम्यक दर्शन होते से, मैंने अब सम्यक दर्शन होते ही मैंने ज्ञायक देखते ही, जिस समय ज्ञायक देखकर प्रसन्न हो रहे हैं उस समय निगोद का बंद रुक गया, 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री असंगी 5 इंद्री का बंद रुक गया, कितनी प्रगतियां रुक गई, कैसे रुकी वो,
सम्यक दर्शन होने पर कितनी 46 प्रकार की 47 कितनी 43 43 प्रकार की ऐसे रुक गई। अब आप पढ़ो, अब 43 प्रकार की लिखो, अब पढ़ो, खुश हो जाए, वो मैं क्या ही जा रहा हूँ, मजा आ गया, मैं क्या ही जान रहा हूँ, नरक नहीं जाएंगे। दवाई देते ना, दवाई पंडित कोई दवाई दे दे, अब ऐसे हम नरक जाने की दवाई दे रहे, नरक नहीं जाने की, कि तुम क्या क्या दे रहे हो, क्या है नरक नहीं जाएंगे पक्का दे रहे। वो हूं कहा गया, दो बातें ध्यान रखना भाई, हो होता तो योग्यता से बंद है, लेकिन गाय को जाने वाले की योग्यता नहीं बिगड़ती। और तुम ये विकल्प सुधार लो ना, विकल्प रूखा रूखा खा लो, कड़वा ठंडा मीठा पानी, गर्म पानी, चाय जैसा पी लो भाई, ये क्षमता से पी लो, भेद मत करो, ऐसे नहीं, ऐसे तो योग्यता खराब हो गई तुम्हारी। चरणानी की तरफ से जाओगे तो योग्यता खराब होगी, रूप देखते से योग्यता खराब नहीं होगी। बोलो, अब लोग का फिर दृष्टांत दे रहे, यहां ध्रुव की महिमा है जैसे, तो बंद नहीं होगा, तो दृष्टांत दे रहे, राग देश ही नहीं होगा, ध्रुव की महिमा वाले को राग देश नहीं होगा, बीत राग परिणति हो जाएगी ध्रुव को जानने वाले को, दृष्टांत। तुम्हें खारा पानी पीने को देने से कैसा लगेगा, दो गिलास पानी रखा, एक मीठा एक खारा, कौन सा पियोगे, नहीं ऐसा नहीं, जौन से नहीं, सही सही बोलो, मीठा पी, ऐसे बोलो, अब से ना खारा पानी पीने पर 1,00,000 रुपए मिलेंगे फ्री में, मीठा पियोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, अब कौन सा पियोगे, क्यों खारा अच्छा लगता है क्या जी, 1,00,000 की दृष्टि में खारे का द्वेष खत्म हो गया, 1,00,000 की दृष्टि में खारे का द्वेष खत्म हो गया, हंस के पी लेंगे, अच्छे से ना मुंह बिगाड़ के पियोगे नहीं, ऐसे ऐसे पीते रहेंगे लेकिन ऐसे ऐसे, तो फिर 1,000 मिलेंगे केवल, तो प्रफुल्लित पानी पियोगे तो 1,00,000 मिलेंगे, अब कैसे पियोगे, अब पानी तो वही है, नहीं पानी पीते समय और राग देश और नहीं आ रहा, पैसा दिखने लगा, ऐसे जिसको ध्रुव अच्छा लगता है उसे पानी में राग देश नहीं होता, उसे संयोग में राग देश नहीं होता, वो सारा सारा डेकोरेशन है शादी का, वो जो बहुत अच्छा लग रहा था 1 सेकंड पहले, और उसने उससे कहा था कैमरामैन से, भैया पूरी वीडियो बनाना ऊपर छत पे जाके और सामने से और इधर से और पूरी बनाना, और इतने में मालूम पड़ा कि बारात लौट गई, बारात लौट गई। अब सही बताना, अब 1 सेकंड में अब लौट जाएंगे, अब देख तो लेंगे, रोएंगी भाई बाद में रोएंगी, क्यों बारात को बाद में रोएंगी, चला गया, बोलो 1 क्षण में वो जो सर्वोपरि था जैसे ही नहीं दिखाई देता ये सब अच्छा नहीं लगता, जैसे सर्वोपरि जब ज्ञायक अनुभव में नहीं आता ये सब अच्छा नहीं लगता, ऐसे बीतना का सिद्धि होती है, गिन गिन के नहीं करोड़ कुल करोड़ कुल, अभी पढ़ाने की गलत शैली है, मैं तो गलत मानता हूं, मेरी शैली तो ये है, जल काय में कैसे कैसे गए, तो अच्छी योग्यता हुई, अरे कितने 1,00,000 करोड़ कुल लिखी सर्वज्ञ, कहा इसे योग्यता थोड़ी सुधर जाएगी, ये तुम टमाटर खा रहे टमाटर में पैदा हो जाओगे, अब कहां गए बेचारे टमाटर ही मिल रहे मुश्किल से, नहीं खाए तो वापस, खाए तो वापस, रो रो के खा रहा है, तो योग तो कौन सी सुधर गई थे, जी नहीं टमाटर भी टमाटर होते तो अच्छे रहते, जी ककड़ी नहीं वो ककड़ी, तो निदान मन रुक गया, मेरा मतलब चरणान योग से योग्यता नहीं सुधरती, चरणान योग की तरफ से वितरागता नहीं आती, एक ध्रुव की महिमा आने पर ही वितरागता आती है, और खारे पानी का राग देश खत्म हो गया, अत्यंत प्रसन्नता है, गुदगुदी मस्ती चल रही, 1 करोड़ मिलेंगे 1 करोड़ मिलेंगे 1 करोड़ मिलेंगे, ऐसे ध्रुव के आश्रय से भगवान बनेंगे, ध्रुव के आश्रय से केवल ज्ञान होगा, कौन साम दाम दंडवीर करे, पैसा ले लू इनसे, उनसे गिफ्ट ले लू, उनसे फला ले लू, ये तो बहुत अच्छी है हमें दे दी,
कोई बुरा नहीं करेगा। प्रधानमंत्री का पद मिल रहा हो, वो कोई के पार्षद बना दी, पार्षद का ही बने थे, प्रधानमंत्री बना रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन पार्षद भी बनेंगे हम। और अच्छे दृष्टांत दे दे, अच्छा मैं समझ में आ जाए ऐसा। तीन लोग के नाश के पद के सामने स्वर्ग की विभूति भी ऐसी है, स्वर्ग की विभूति हो अच्छी अच्छे दृष्टांत है, स्वर्ग की विभूति ऐसी है कैसी कि जैसे हम प्रधानमंत्री कोई बन जाए प्रधानमंत्री, और फिर वो के नहीं हमें तो झाड़ू चाहिए 50 रुपये वाली, वो स्वीपर की है ना, स्वीपर की झाड़ू बहुत मजबूत होती है, वो 1 साल चलती है, वो वाली साइड वो झाड़ू चाहिए, गटर में झाड़ू लगाएंगे हम। तो बन क्या रहे ये तो बताओ, प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हो, यानी तुम तीन लोग के नाश बन रहे हो जी, कहा तुम जी स्वर की विभूति चाह रहे। अच्छा स्वर की विभूति का निषेध कर रहे हैं तो और जो छोटे मोटे पाप होगी तो हम क्या कहें, ध्यान रखना। जैसे ध्रुव अच्छा नहीं लगता उसे कहीं ना कहीं से पैसा अच्छा लगता है, और यही ब्रह्मचारियों के पतित होने का कारण, ब्रह्मचारियों का हमने आगे भी लगा लेना, अरे भला महाराज बहुत बढ़िया है, उनकी एक आवाज पर करोड़ों इकट्ठे हो जाते, वो भला सेठ जी तो उनके बिल्कुल इशारे पे दे देते 100 करोड़ 200 करोड़ 5 करोड़, तुमने कहां महिमा देगी, पैसे की महिमा है, तुम्हें ध्रुव की महिमा नहीं। अब सोचो सम्यक दर्शन क्यों कहते हैं बार बार, इसलिए कहते हैं। अब लगा तुम्हारी वो प्रॉब्लम जो कल तुमने बताई थी, जब तक इतनी महिमा से इसे नहीं देखोगे बस सिट पिटाते रहोगे। कहा बताए पंडित जी अभी विवाह हो जाते हैं, अभी विवाह जाते हैं, रोते रहो तो क्या योग्यता बदल जाएगी कि निदान बदल जाएगा। इधर देखो ध्रुव कितना जोरदार है, बिल्कुल गारंटी है नहीं जाओगे, गारंटी है अभ्रम नहीं होगा, गारंटी। कितने दृष्टान दे दिए हम, तब तो जितने का उतने दृष्टान दे, तीन लोग का सर्वोत्कृष्ट दिखाई देने पर कौन है जो निदान बंद करेगा, भूल करके तो कर सकता है क्या था मैं? अज्ञानी बहुत कर्म बांधता है, बहुत थोड़े अज्ञानी वाले, इसका अज्ञानी, हाँ इसका अज्ञानी सर्वोत्कृष्ट हुए ये भूल करके। स्त्री बड़ी सुंदर है, ऐसा गोरा रंग मेरा हो जाए, पिछले जन्म में ऐसा हो जाए, अगले जन्म में ऐसा हो जाए, कितनी लड़के चाहती हैं, कितनी लड़कियां चाहती हैं, मेरा रूप मेरा मसल्स भला हो जी, देखो मिस्टर इंडिया बन गया वो क्या हो गया, वो मैंने क्या क्या होता था। अभी सच कहते हैं मैं तो कितना बच गया भगवान, मैं तो बहुत आनंद हूं, लेकिन कॉलेज में लड़कों को यही लगता है जिंदगी तो हीरो की है फिल्मी, इस समय देरी कोई मजे की जिंदगी जी रहा है तो विराट कोहली का मजे में बेचारा, जितना ज्यादा अच्छा खेल रहे ना उसे तीनों फॉर्मेट में खेलना पड़ रहा, आप थक रहे हो, अब गया था कह रहा भाई क्या भाई बस की बंडे में हारे गए, बोले तुम चूल्हे में आओ तीनों ही हार गए कि नहीं भैया तुम खेलो अच्छा, 12 संगला जीती है तुमने अभी तक, रिकॉर्ड हो जाएगा 13 चूल्हे में अब तुम सोच रहे हो बहुत बढ़िया, वो रो रहा बेचारा हमें, जिन्हें मानता सुख निधान तू पूछ उन्हीं से मन की बात। कभी नहीं सुन सकते फिर कह रहे ध्रुव, सच कह रहे हैं, ऐसे ध्यान लगाओ, ध्यान करो, लिखो, नहीं तो लिखो, हमने कल क्या कहा था, ऐसे नियम साजी से ऐसे हजारों ग्रंथ लिख सकते हैं, ये बात ध्रुव के बारे का लिखे, अपर्णा भी तीन बात है, अपर्णा में बस अंत बस, अरे कहा तुम बोल रहे हो बस, समझ द्वादशा का सार है ध्रुव, क्या लिखा था कलश, इसके पहले कलश निकल गया, सर्व सार में एक सार है ना, आया ना इसमें कलश, देखो निकाल 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 निकाल, अभी इसके पहले कलश है, हाँ ऊपर ही है, नहीं कहाँ है, नहीं बोल नहीं, जी अलग है, एक है सर्व सार में एक सार है,
जी देखो पेज नंबर 78 54 नंबर का कलर सर्व तत्वों में जो एक सार मिला 54 सर्व तत्वों में जो एक सार है मतलब हम तुम्हें सार दे रहे हो तुम सार ढूंढ रहे पंडित ये तो सही थी ये तो ठीक है पैसा भला मैंने जैसे तुम्हें लगा सर्व तत्वों में जो एक सार है बहुत अच्छा कलश चला था पहले चल गया जो समस्त नष्ट होने योग भावों से दूर है जो छाई भाव से दूर है जिसने दुर्वार काम को नष्ट किया इच्छाओं को नष्ट कर दिया अभी बताया ना खारे पानी के सब विकल्प खत्म हो गए पैसे के चक्कर यहां से ध्रुव के चक्कर में सब काम मन इच्छा नष्ट हो गई बहुत अच्छा चल गया पहले चलाया इसको कहां चलाया एक मुझे याद नहीं लेकिन बहुत चलाया इसको एक कलश चलाने में बहुत समय लगा बहुत मर्ज आगे चला वनस्पति का एक ऐसी वनस्पति में लगा ले लगा ना भैया देखो ऐसे टीका होगी जैसे हम वही करते चले आ रहे कौन सा वृक्ष अच्छा है कौन से फल अच्छे हैं कौन से कपड़े अच्छे हैं जी वनस्पति का एक है काय 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 है वनस्पति काय कपड़ा क्या है वनस्पति काय है जी लकड़ी की चौकी क्या है वनस्पति काय है जी खिड़की बड़ी अच्छी जी दरवाजे बहुत बढ़िया हम आदि मकान बनाएंगे ऐसे दरवाजे लगवाएंगे सुनो हम ऐसा क्या ध्यान जब मकान ही नहीं बनाना पड़ेगा क्या कह रहे मकान पंडित जी एक से एक मकान देखते तो एक इच्छा होती है मतलब मकान हमें ही ऐसा बनवाए अब सोचे ब्रह्मचर्य लेने पर कितनी पापों की निवृत्ति होगी जीवन में कोई मकान नहीं बनाना कुछ कहते कहते रुक गए हम ब्रह्मचारी का कोई आश्रम पूरा विश्व ही आश्रम है एक आश्रम बनाएंगे अब लाए रहो निर्माण कराओ फिर वही कराओ फिर ये करा वो रहने वाले रह नहीं रहे ढंग से रोत रहो चिल्लाते रहो सब पहले हट हमारी बस की नहीं मैं शुरू से त्याग किया इसको मैं कभी निर्माण नहीं कराऊंगा हमारे घर जब मैं 20 साल का था ना 21 साल का 20 साल का 18 20 साल के 18 साल के रहे होंगे 19 साल के हमारे घर मकान बन रहा था तभी मुझे ये विकल्प नहीं था मेरे कमरा बन जाए हमारा कौन सा कमरा हो जी हम पूछे ही नहीं हमारा कमरा कहाँ है कमरा ही नहीं हमें कहाँ रहेंगे कहाँ सोएंगे वो भविष्य में कुछ नहीं जो है सबके साथ रहेंगे वो क्या करेंगे हम मैं दिल्ली अंदर की बात कह रहा हूँ खनिया दाना में भी मुझे कभी ईट लगवाने की इच्छा नहीं होती क्योंकि क्या एक ऐसा बना लू यही क्यों पात्र जीवों को कमी नहीं और अपात्र जीवों को कहीं नहीं क्या कहा कहीं नहीं अपात्र जीव कहीं चले जाएंगे खुद का बना लें खुद के पैसे से बना लें सब कुछ कर लें तो भी कुछ नहीं होगा घड़ी देख ली मैंने टाइम हो गया भूल जाते हैं तो मतलब अब एक घंटा कब बीत गया पता ही नहीं लगा समझ गए इसलिए व्याय को देखने वाले को सचमुच कोई जरूरत नहीं पड़ेगी सचमुच बंद नहीं होंगे निर्माण के बंद नहीं होंगे फला के बंद नहीं होंगे वनस्पति काम जाने के बंद नहीं होंगे जैसे हमें हमसे पूछे जी कौन सी लकड़ी हम नहीं जाने और कोई भी बता दिया आम की खेर की फला की इमारती कौन सी सागवान की हम नहीं जानते भैया क्या हम जिस गली जाने नहीं कौन सी लकड़ी बांस की मैंने कौन कौन सी कितने प्रकार के बांस होते हैं होते होंगे भैया हमें कोई सा नहीं चाहिए दिन रात उसी में डूबे बिल्कुल उसी में डूबे कुछ कह रहे हैं हम बोलो एक ध्रुव को जानने वाले को समस्त पाप छूट गए एक ज्ञाय को जानने वाला सर्व सर्व क्या चार वेद इजिकल टू चार अंगों का सार एक ब्रह्मचर्य में है सारा विश्व जिस काम वासना से पीड़ित है उसे एक झटके में मिटा देता है उत्पन्न ही नहीं होते उत्पन्न ही नहीं होते
करना विचार भाई। ओम नमः सिद्धेश।